नमस्कार, एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं साक्षी निर्वाण, आइए शुरुआत करती हैं आज की कुछ खास खबरों से। जनपद मैनपुरी में 9 नगर पंचायत तथा 1 नगर पालिका के अध्यक्ष पद तथा सभी मेंबरों को शपथ ग्रहण कराई गई, जिसमें मैनपुरी मुख्यालय नगर पालिका के मुख्य अतिथि के रूप में ठाकुर जयवीर सिंह कैबिनेट मंत्री की मौजूदगी में सबसे पहले संगीता गुप्ता भारतीय जनता पार्टी की चेयरमैन तथा उनके बाद 32 सदस्यों को एक साथ शपथ ग्रहण कराई गई। वहीं दूसरी ओर नगर पंचायत भुगांव में नेहा तिवारी की शपथ ग्रहण कराई गई, उनके साथ 15 मेंबरों को भी शपथ ग्रहण दिलाई गई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक राम नरेश अग्निहोत्री, अंकुर अग्निहोत्री, सचिदानंद तिवारी, शिव कुमार दुबे, अंजलि सिंह, एसडीएम प्रमोद कुमार, तहसीलदार आदि लोगों की मौजूदगी में शपथ ग्रहण कराई गई। नेहा तिवारी के पति आशीष तिवारी ने नगर की जनता का आभार व्यक्त किया और सभी बुजुर्गों का, पत्रकारों का, आए हुए सभी नगर के लोगों का माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया और उनका वंदन अभिनंदन किया। इसके अलावा नगर पंचायत कुरावली में मुख्य अतिथि के रूप में ठाकुर जयवीर सिंह पर्यटन मंत्री की मौजूदगी में धर्मेंद्र वर्मा और पुधम्मा अपने 15 मेंबरों के साथ शपथ ग्रहण की। इस मौके पर नवोदिता सिंह एसडीएम सदर मैनपुरी, अविनाश कृष्ण सिंह जिलाधिकारी, विनोद कुमार पुलिस अधीक्षक, रामजी मिश्र अपर जिलाधिकारी, विनोद कुमार मुख्य विकास अधिकारी, अशोक चौहान पूर्व विधायक आदि लोगों ने आए हुए मुख्य अतिथि ठाकुर जयवीर सिंह का भव्य माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर नगर पालिका परिषद पूरी तरीके से भरा हुआ दिखाई दिया। हजारों की तादाद में लोग उत्साहित दिखे, सभी ने एक दूसरे को बधाई दी तथा मिठाइयां बांटी गई। आज पूरे जनपद मैनपुर में खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है। इस संबंध में राम नरेश अग्निहोत्री विधायक तथा ठाकुर जयवीर सिंह कैबिनेट मंत्री ने आशीर्वाद देते हुए, बधाई देते हुए क्या कुछ कहा। साथ ही संगीता गुप्ता के प्रतिनिधि एवं पति आलोक गुप्ता ने भी क्या कुछ कहा, दिखाते हैं इस पूरी रिपोर्ट में। हुआ है किस तरीके से, क्या कर रहे हैं? देखिए, पूरे मैनपुरी वासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ। मैनपुरी जनपद की किराए मैनपुरी नगर पालिका परिषद सहित जिले की सभी अन्य टाउन एरिया का आज ही के दिन शपथ ग्रहण करने का कार्यक्रम रखा गया है। और आज मैनपुरी सदर पर हमारे जिलाधिकारी के लिए इन सबकी उपस्थिति में थोड़ा गैलरी खाली रखे, हमारे अधिकारीगण, हमारे वरिष्ठ नेतागण निकल रहे हैं, थोड़ा गैलरी खाली करते हैं। गैलरी खाली है, पांच सौ लोगों को भी शपथ ग्रहण का कार्यक्रम कराया गया है और हम लोग शुभकामना देते हैं, इन्हें बधाई देते हैं। जो नव निर्वाचित बोर्ड है, ये मैनपुरी की बेहतरीन सेवा करे, मैनपुरी का काया कल्प करने का काम करे, मैनपुरी को एक आदर्श नगरी के रूप में विकसित करने का काम करेगा, ऐसी हम लोगों की शुभकामना। तो क्या संदेश देना चाहते हैं आज के दिन? मैनपुरी स्वच्छ, आज विकसित मैनपुरी बने, चमकता दमकता स्वच्छ साफ सुथरा पॉल्यूशन मुक्त मैनपुरी बने, ये हम सबका सपना है। इस सपने को मैनपुरी पूरा करें, आदर्श मैनपुरी बने, यही हम लोगों का लक्ष्य है और यही हम अपेक्षा करें। मंत्री जी, थी समाजवादी पार्टी समेट कर रह गई है, 8 बार आपका कमल खिला है, क्या कहना चाहिए? देखिए, कल भी मैंने कहा था कि मैनपुरी जनता बात भोली भाली है, कोई परिस्थितियां नहीं होंगी, लेकिन मैनपुरी की जनता का आशीर्वाद, पिछले लगाव, आदरणीय मोदी जी और योगी जी की नीतियों के प्रति, कार्यक्रमों के प्रति, लोक कल्याणकारी योजनाओं के प्रति सद्भावना का है और यहाँ के लोगों का इतने आशीर्वाद का प्रतिफल है कि
सभी स्थानीय निकाय के चुनाव में पूरे जनपद में केवल दो सीटों पर सीमेंटने का काम मैनपुरी की जनता ने समाजवादी पार्टी को किया है। शपथ ग्रहण समारोह क्या कहना चाहते हैं आप? श्रीमती संगीता गुप्ता को बधाई देना चाहते हैं, तो नगर पालिका की अध्यक्ष के रूप में उन्होंने शपथ ली है और पूरे बोर्ड के सभासदों को बधाई देना चाहते हैं। उन्होंने शपथ ली है इस नगर के विकास में सब मिलजुल करके यहाँ विकास की गंगा बहेगी और निश्चित रूप से नगर के लिए अच्छे हितकर काम होंगे। क्या नगर की जनता को लिए कहना चाहेंगे आप? मैंने अभी कह दिया, संगीता गुप्ता जी ने कहा कि हम वन विंडो सिस्टम लागू करेंगे, नागरिकों की समस्याएं एक स्थान पर आएंगी और उसका निराकरण समयबद्ध तरीके से एक स्थान से ही होगा। और क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी? सफाई कराएंगे, सड़कों का जाल बिछाएंगे, निर्माण के कार्य कराएंगे, सारे काम कराएंगे। अपने मेंबरों के लिए क्या कहना चाहेंगे? इससे मेंबरों का सहयोग अपेक्षित है, उनका सहयोगी मांग रहे हैं और सहयोग मिलजुल करके सब लोग चलाएंगे। धन्यवाद। शपथ ग्रहण कराई गई है, किस तरीके से शपथ ग्रहण कराई गई है? पंचायत चुनाव में अध्यक्ष नया तिवारी जी और सभी 16 सभासद जो निर्वाचित हुए उनको मैं हार्दिक बधाई और शुभकामना दे और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जो आगे 5 साल तक जनता और अच्छी नगर पंचायत, एक विकसित नगर पंचायत बनाने में अपना सहयोग कर रहा हूँ। क्या संदेश देना चाहते हैं आज मेंबर और चेयरमैन को? सबको संदेश आगे बढ़ना, युवाओं को भी आगे बढ़ना चाहिए। अकेले काम है जो विकास होना हुआ है वो विकास होना चाहिए। सब जुड़कर इस तीन भावना से काम करें, यही मेरा आप सबसे अनुरोध। फिलहाल की खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए एएसबी न्यूज़।